हे गाइस नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ कच्चे आम की लौंजी। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। गाइस मैंने आम धो के और अच्छे से इनको छील लिया है और अब इन्हें करूँगी मैं कट करूँगी मैं क्यूब्स के आकार में। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कट कर सकते हैं। तो चलिए कट कर लेते हैं पहले। गाइस अगर आप लौंजी बना रहे हैं तो लौंजी बनाने के लिए कच्चे आम जो आप ख़रीदेंगे तो आम एकदम टाइट से ख़रीदिएगा। तो चलिए कट कर लिए। देखिए मैंने आम मैंने ऐसे कट करे हैं, देखिए एकदम कच्चे आम हैं ये। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो गाइज अब मैंने रख दिया कढ़ाई और कढ़ाई में लगा दिया है मस्टर्ड ऑयल। तो चलिए अब बनाते हैं लौंजी। तो गाइज पहले लगा रही हूँ मैं इसमें हींग और अब लगा देते हैं जीरा और मैं लगा दूंगी एक चम्मच के लगभग सौंफ। सौंफ दाने हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ठंडे भी होते हैं। तो आप अगर आपको पसंद हैं तो ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं। और अब लगा दूंगी मैं कलौंजी। कलौंजी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और अच्छी भी लगती है गाइस लौंजी में या चटनी में, किसी में भी अगर आप डालते हैं। तो मैंने ये डाल दी। तो अभी थोड़ा सा इन्हें भून लेते हैं, उसके बाद इसमें डालूँगी मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अब डाल दूंगी मैं इसमें पम्पकिन सीड्स। देखिए मैंने ये भी डाल दिए, ये भी इनके साथ रोस्ट हो जाएंगे। और अगर आपके पास खरबूज या तरबूज की भी बीज हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं छील के। तो मैंने ये डाल दिए और अब डाल देते हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तीखा ज़्यादा नहीं होता है गाइज। और अब डाल दी मैंने इसमें कच्ची आमी जो मैंने कट करके रखी हुई है और इसे कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। तो गाइस थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऊपर से और डाल देते हैं। और गाइस अब मैं डालूंगी इसमें 50 ग्राम चीनी और बाद में डालूंगी मैं इसमें गुड़। इसके घुलने के बाद मैं गुड़ भी डालूंगी इसमें। दोनों चीज़ अगर आप डालते हैं तो बहुत ही मस्त लगती है लौंजी। और अब ढक के हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। गाइस अब मैं इसमें डालूंगी इस टाइम हल्दी। गाइस अब मैं लगा दूंगी इसमें पानी, मैंने लगाया 1 कटोरी पानी। और अब ले लेते हैं गुड़। और गुड़ हमारे पास छोटे छोटे क्यूब्स के आकार में है तो मैं ऐसे ही डाल दूंगी, ये फटाफट से गल जाएंगे क्योंकि लौंजी अभी मतलब बनी नहीं है और गर्म है तो इसमें फटाफट से गुड़ गर्म हो जाएगा, मतलब पिघल जाएगा। गाइज मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच काला नमक और उससे भी कम थोड़ा सा मैंने डाला है रेगुलर नमक यानी वाइट नमक। और डाली है मैंने इसमें काली मिर्च क्वांटिटी के हिसाब से और मैंने डाला है इसमें गरम मसाला और मैंने अब ये डाल दिया है इसमें धनिया पाउडर। धनिया मैंने साबुत नहीं डाला है, धनिया को मैंने कूट के यानी पीस के मोटा मोटा डाला है गाइज। और आप देखें मैंने गरम मसाला कितना डाला, गरम मसाला ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए मैंने 1/2 चम्मच डाला है। और गाइज इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करना, ये बहुत ही इजी है बनाने में और बहुत ही जल्दी बनती है और खाने में इतनी टेस्टी होती है, चाहे पूड़ी से, पराठे से, कचौड़ी से, आप किसी चीज़ से आप इसे खा सकते हैं और इसे 15 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। गाइज मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड जय माता दी। गाइज लाइक ज़रूर से करना और अगर मेरी वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें।